विनीत पाटनकर है और मैं टाटा मोटर्स से हूँ। आइए मैं टाटा इंट्रा की वारंटी के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। टाटा इंट्रा की वारंटी 2 साल यानी कि 24 महीने या 72,000 किलोमीटर के अंतराल पे है। जो भी पहले होगा वो एंसिलरी आइटम्स है जैसे कि FIP, स्टार्टर, अल्टरनेटर, बैटरी, इनकी जो वारंटी है वो वेंडर्स के मुताबिक है। टाटा इंट्रा V20 की पहली सर्विस 10,000 किलोमीटर या 8 महीने, जो भी पहले हो तभी करनी जरूरी है। और ये सर्विस में इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज होना जरूरी है। उसके साथ एयर फिल्टर की जांच और व्हील अलाइनमेंट चेक करना जरूरी है। हर 20,000 किलोमीटर पे प्री फ्यूल फिल्टर चेंज करना जरूरी है और हर 40,000 किलोमीटर पे हब ग्रीसिंग होनी जरूरी है। और उसके साथ स्टेयरिंग ऑयल, कूलेंट और एयर फिल्टर भी रिप्लेस करना जरूरी है। गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल को 80,000 किलोमीटर पे चेंज करना जरूरी है और इसके साथ ही साथ एयर फिल्टर की जांच करनी भी जरूरी है। गाड़ी में कोई भी वेल्डिंग वर्क करते समय ECU कपलर और बैटरी टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। गाड़ी में कभी भी एयर लॉकिंग रोकने के लिए कम से कम 10 लीटर तक डीजल गाड़ी में हमेशा होना चाहिए। गाड़ी कभी भी अगर ढलान पे चल रही हो तो उसको न्यूट्रल में ना रखे या एकाएकी निचले गियर में शिफ्ट ना करे, इससे गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन में दिक्कतें आ सकती है। एंसिलरी फिटमेंट करते जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट्स लगाना है, एक्स्ट्रा हॉर्न लगाना है या एक्स्ट्रा वायरिंग करा रहे हो, वायरिंग हार्नेस को बिना छेड़े बिना काटे फ्यूज बॉक्स में एक अलग सा प्रावधान किया गया है, उसका इस्तेमाल करें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कभी भी वाटर इन फ्यूल सेपरेटर का इंडिकेटर अगर शो करे तो हमेशा वाटर सेपरेटर से पानी निकाले। अगर एयर फिल्टर सर्विस इंडिकेटर पे लाल बैंड दिखाई दे तो उसको नजदीकी टाटा मोटर्स ऑथोराइज वर्कशॉप में लेके जाए और उसको बदल दे, ना कि उसको साफ करे। प्रतिदिन गाड़ी को 4 से 5 बार फुल थ्रॉटल यानी कि फुल एक्सीलरेशन देके कैटलेटिक कन्वर्टर को फ्लश करना जरूरी है। डेली बेसिस पे इंजन ऑयल लेवल, ऑयल लीकेज के कहीं निशान, अनइवन टायर वेयर चेक करना जरूरी है। इसी के साथ स्विचेस, गेजेस और वार्निंग लैंप्स भी चेक करना जरूरी है। लाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न और वाइपर्स का ऑपरेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी जांचना जरूरी है। कुछ चीजों की जांच वीकली करनी भी जरूरी है जैसे कि कूलेंट, ब्रेक ऑयल, विंडशील्ड वॉशर, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट और टायर प्रेशर। सबसे पहला है AFE यानी कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जो गाड़ी का औसतम माइलेज बताता है जो ड्राइविंग के आधार पर भिन्न हो सकती है। अगला फीचर है IFE यानी कि इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये वर्तमान ड्राइव की फ्यूल इकोनॉमी बताता है। अगला फीचर है DTE यानी डिस्टेंस टू MT, उपलब्ध ईंधन के आधार पर एस्टिमेटेड दूरी ये दर्शाता है। टाटा इंट्रा V20 में एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है GSA यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजर। इसमें तीर के आकार के 2 इंडिकेटर्स दिए गए जो अपशिफ्ट गियर और डाउनशिफ्ट दर्शाते हैं। अगर इसका सही तरीके से पालन किया तो आपको बेहतर माइलेज मिल सकता है। अगर व्हीकल सुस्थिति में हो तो इग्निशन देने के बाद क्लस्टर में दिए गए वार्निंग लैंप्स 5 सेकंड के लिए जलेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। अगर गाड़ी में कुछ फॉल्ट हो तो वो परमानेंटली जलते रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे पहला वार्निंग लैंप है इंजन ओवरहीटिंग लैंप। अगर इंजन कूलेंट का तापमान साधारण तापमान से अगर ज्यादा होता है इसका मतलब इंजन ओवरहीट हो रहा है और ये साइन दर्शाता है। दूसरा वार्निंग लैंप है इंजन ऑयल इंडिकेटर। अगर गाड़ी के इंजन में तेल की मात्रा कम हो तब ये साइन शो करता है, इसका मतलब है कि गाड़ी ना चलाए और जल्द से जल्द टाटा के ऑथराइज वर्कशॉप में लेके जाकर दिखाए। अगला वार्निंग लैंप है MIL यानी कि माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप, इंजन से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण नियामक दोषों को ये दर्शाता है। यह मोड कस्टमर के एक बटन दबाने द्वारा ऑन होता है। यह वार्निंग लैंप बेहतर माइलेज प्राप्त करने के लिए इंजन इकोनॉमी मोड में है यह दर्शाता है। टाटा इंट्रा की V20 मॉडल में ये नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है EPAS यानी कि इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट स्टीयरिंग। ये सिंबल इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग रिलेटेड दोषों को दर्शाता है। अगला सिंबल है चेक इंजन लाइट इंडिकेटर, इंजन संबंधित दोषों को ये दर्शाता है। टाटा इंट्रा के साथ मिलता है आपको टाटा मोटर्स का संपूर्ण सेवा का वादा। सबसे पहला है टाटा अलर्ट यानी कि 24 घंटे के भीतर गाड़ी रिपेयरिंग करने का वादा, एग्रीगेट रिपेयर में 48 घंटे, अगर समय सीमा से ज्यादा वक्त लगता है तो प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना। दूसरा वादा है टाटा जिपी, अगर गाड़ी 1 साल के भीतर हो तो 24 घंटे के भीतर गाड़ी की सर्विसिंग होना जरूरी है, अगर उसके लिए वक्त लगता है तो प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना। तीसरा वादा है टाटा कवच, 15 दिन के भीतर टाटा मोटर इंश्योरेंस के अंदर एक्सीडेंट रिपेयर का वादा किया जाता है, अगर समय सीमा अवधि से ज्यादा वक्त लगता है तो 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना मिलता है। चौथा वादा है टाटा डिलाइट, नए वाहन के साथ आप टाटा मोटर्स डिलाइट प्रोग्राम के सदस्य बन जाते हैं। टाटा मोटर्स के किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे सर्विस कराने पर आप लॉयल्टी पॉइंट कमाते हैं, ये अंक हमारे किसी भी ऑथोराइज वर्कशॉप या अन्य भागीदारों के पास रिडीम करवा सकते हो। पांचवा वादा है टाटा प्रोलाइफ, टाटा प्रोलाइफ हाई इंजन लाइफ प्रदान करता है वो भी कम ऑपरेशनल कॉस्ट में और बेस्ट इन क्लास वारंटी के तहत। छठा वादा है टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल, टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल टाटा के वाहनों के बेहतर प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल ने बेहतरीन फ्यूल माइलेज, बेहतर इंजन लाइफ और लोवेस्ट ऑयल कंजम्पशन का वादा किया है।
सातवां वादा है कस्टमर केयर ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर और iOS पे उपलब्ध है। सर्विस संबंधित सभी जानकारी के लिए ये वन स्टॉप पोर्टल है। ये वाहन के रखरखाव को काफी सरल बनाता है। इसके अलावा आप किसी भी सहायता के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकते हैं जो है 1800-209-7979 या cse@tatamotors.com पे मेल भी कर सकते हैं। हमें आशा है कि टाटा इंट्रा के बारे में दी गई जानकारी का आप अवश्य लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।